नमस्कार, प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। 1.5 महीने से जम्मू संभाग का शांत है। 2008 के बाद एक बार फिर लगातार आतंकी वारदातों से लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। पिछले 46 दिन से 7 आतंकी वारदातों में 11 सैन्य बलिदान हो चुके हैं और 10 आम नागरिकों की मौत हो गई है। अब इस निर्णायक राजनीति का समय आ चुका है। हर बार आतंकी हमला कर गायब हो जाते हैं। इन आतंकियों को जंगल में अब भी मौजूदगी लोगों को परेशान कर रही है। हम आपको बता दें कि जम्मू संभाग में पहला हमला 9 जून 1983 में शिवखोड़ी के यात्रियों के बस पर हुआ था। इसमें 10 यात्री मारे गए थे और 40 घायल हो गए और आतंकियों की तलाश सेना जुटी हुई है, पुलिस जुटी हुई है, लेकिन अभी तक उनका कोई पता ही नहीं लगा, ना ही वो मारे गए हैं। और दूसरा हमला 11 और 12 जून को डोडा और भद्रवाह में पुलिस और सेना की जो अस्थाई चौकी थी, कैंप था, उसके ऊपर हुआ था। 7 जवान घायल हो गए थे। इन आतंकियों का अभी तक पता नहीं चला, तलाश जारी है। तीसरा हमला 7 जुलाई रजौरी में जिला सुरक्षा चौकी पर हमले करके सैन्य कर्मी को घायल किया था, आतंकी नहीं पकड़े। चौथा हमला 8 जुलाई को कठुआ आतंकी हमले, 5 जवान हमारे शहीद हो गए थे। इनकी तलाश में 3,000 सैनिक लगे हुए हैं, लेकिन हमले के बाद एक भी आतंकी नहीं मारा। जमीन खा गई या आसमान निकल गया। पांचवा हमला 16 जुलाई को डोडा के जंगल में सेना पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया था, जिसमें हमारे 4 जवान बलिदान हो गए थे, लेकिन अभी तक एक भी आतंकी नहीं मारा गया। इनकी तलाश भी अभी जारी है, सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। उसके बाद छठा हमला 22 जुलाई रजौरी के गुंडा कवास में शौर्य चक्र से सम्मानित BDC सदस्य के घर पर हमला हुआ था। एक BDC सदस्य विजय कुमार और सेना का एक जवान घायल हो गया था। सर्च चल रही है, एक भी आतंकी न पकड़ा गया है न मारा गया है। सातवां हमला रजौरी के मंजा कोट में सेना के कैंप पर हुआ था। इसमें भी एक जवान घायल हो गया था, लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी है, एक भी आतंकी ना पकड़ा गया ना मारा गया। यही एक वजह है 3,000 अतिरिक्त सैनिक जम्मू में लगा दिए गए हैं। 500 ट्रेंड कमांडोज जो हैं उनको भी लगाया गया है, लेकिन अभी तक ना तो ये जम्मू में हमला करने वाले आतंकी पकड़े गए हैं ना मारे गए हैं, लेकिन मौजूदगी का एहसास लोगों को हो रहा है कि जम्मू के अंदर आतंकवाद जो है और पनप रहा है। सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। हो सकता है हमारी सेना जल्दी इस पर काबू कर ले, लेकिन जिस तरह से कश्मीर में शांति बनी हुई है, शांति से अमरनाथ जी की यात्रा वहां से निकल गई है, अब तकरीबन पूरी होने को आई है, लेकिन सारे का सारा आतंकवाद जो है वो जम्मू की तरफ आ गया है। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचार। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। LOC पर भारतीय सेना और पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम के बीच फायरिंग हुई। इस दौरान एक घुसपैठी को मार गिराया गया, वहीं एक जवान भी शहीद हुआ है, एक जवान घायल भी बताया जा रहा है। कुपवाड़ा के माछीला क्षेत्र में सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि फायरिंग में एक जवान शहीद हो गया और एक कैप्टन समेत अन्य 4 घायल हुए हैं। भारतीय सेना ने चिनार कॉर्प्स ने जानकारी देते हुए ये बताया कि नियंत्रण रेखा पर माछिल सेक्टर के कामकारी में एक चौकी पर अज्ञात लोगों ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक पाकिस्तानी नागरिक मारा गया, जिसमें हमारे 2 सैनिक घायल हुए और उन्हें निकाल लिया गया है। रक्षा विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक माछिल सेक्टर में मुठभेड़ हुई है। भारतीय सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम यानी BAT ने भारतीय सेना के जवानों पर LOC पर हमला कर दिया। इस हमले में पाकिस्तान की सेना भी शामिल थी, जो कि आतंकी संगठनों के साथ मिलकर काम करती है।
जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का नया जत्था रवाना हुआ है। कड़ी सुरक्षा के बीच शनिवार तड़के 1,700 से अधिक तीर्थयात्री दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आधार शिविर से रवाना हुए। अब तक 4.45 लाख से अधिक तीर्थयात्री 3,880 मीटर ऊंचे गुफा मंदिर में प्राकृतिक रूप से बने बर्फ के लिंग के दर्शन कर चुके हैं। इस बार यात्रियों ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। महज 29 दिनों में यात्रियों की संख्या 4.5 लाख पार गिर गई है। शनिवार को तीर्थयात्रियों का 30वां जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच 63 वाहनों के काफिले में सुबह 3:25 पर जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हुआ। 999 तीर्थयात्री अनंतनाग जिले में पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबे मार्ग के माध्यम से तीर्थयात्रा करने के लिए पहलगाम पहुंचेंगे। वहीं 772 ने गांदरबल जिले में 14 किलोमीटर लंबे छोटे लेकिन कठिन बालटाल मार्ग को चुना है। 52 दिन के इस वार्षिक यात्रा में लोग बड़े ही उत्साह के साथ शामिल होते हैं। भगवान शिव के भक्तों के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं है। 29 जून को श्रद्धालुओं का पहला जत्था पवित्र गुफा के दर्शन के लिए गया था। रक्षाबंधन के दिन यात्रियों का आखिरी जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना होगा। 19 अगस्त से यात्रा समाप्त हो जाएगी। पिछले साल 4.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने यात्रा पूरी की थी। पुलिस ने कहा कि डोडा जिले में हाल ही के हमलों के मद्देनज़र डोडा के ऊपरी इलाकों में होने वाले 3 संदिग्ध आतंकवादियों के स्केच जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के बारे में कोई भी जानकारी देने पर पुलिस की ओर से 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। पुलिस ने कहा कि 3 आतंकवादियों के स्केच जारी किए गए हैं जो डोडा और डेसा इलाके के ऊपरी इलाकों में घूम रहे हैं और ज़िले के उरार बागी इलाके में हाल ही की आतंकी घटनाओं में शामिल थे। उन्होंने बताया कि इन आतंकवादियों के बारे में जानकारी देने पर 5 लाख रुपए नकद देने की घोषणा की गई है। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में राज्य जांच एजेंसी ने एक प्रसिद्ध नार्को आतंकवादी मोहम्मद लियाकत की संपत्ति कुर्क कर ली है जो वर्तमान में फरार है। संपत्ति जिसमें 1 कनाल और 9 मरला भूमि शामिल है खारी करमारा में स्थित है। कोड CRPC संपत्ति कुर्क का आदेश पुंछ के प्रधान सत्र न्यायाधीश द्वारा जारी किया गया था। पूरे ऑपरेशन को SIA द्वारा हवेली के तहसीलदार अजहर माजिद की उपस्थिति में अंजाम दिया गया। मीडिया से बात करते हुए अजहर माजिद ने कहा कि पूरी कवायद माननीय अदालत के निर्देश पर की गई है। मोहम्मद लियाकत सना मोहम्मद हसैन यहीं का रेजिडेंट ऑफ करमाड़ा, इनके ये FIR नंबर 69 समथिंग थी, तो उसमें जो नार्को टेररिज्म और NDPS के शीर्ष चार्जेस पर ये बंदा जो पिछले साल 1 साल से लगभग एब्सकॉन्ड कर रहा था, तो हमें जो ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्शन थी कि इसकी नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी है वो अटैच की जाए, तो उसी निस्बत से हमारी जो बाकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी थी, मैं एज ए मैजिस्ट्रेट तहसीलदार हवेली हेयर, तो मैं भी आया था और साथ में हमारी जो लोकल टीम भी थी उसके साथ हमने ये प्रॉपर्टी सीज की और ये कोर्ट की डायरेक्शन थी, तो उसी सिलसिले में ये सारी प्रॉपर्टी सीज की गई। आज महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम अपना सांझा यात्रा के 25 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। आपके दृढ़ समर्थन ने जम्मू कश्मीर में न्याय और शांति प्राप्त करने के प्रति हमारे समर्पण को मजबूत किया है। इस महत्वपूर्ण दिन पर हम अपनी सामूहिक विरासत का जश्न मनाते हैं और एक उज्जवल भविष्य की आशा करते हैं। हमारे साथ खड़े होने के लिए धन्यवाद। मेरा दिल पूरी घाटी से PDP कार्यकर्ताओं के प्रति गर्व और कृतज्ञता से फूला हुआ है जो श्रीनगर आए और आज हमारे स्थापना दिवस को शानदार सफलता दिलाई। आप मेरी ताकत हैं और अल्लाह आप सबको आशीर्वाद दे। ताकि जम्मू कश्मीर के लुकन वाक्य सूर्य बुस तुह बड़ शुक्र गुजार तुम तशरी तु आए योर मुबारक दिन क्या पार्टी मुसीबत आई खास कर मुफ्ती साहब ने गसने पता जुवह पत कह पार्टी तार तार आई कर फुटरवन आई मगर तमें बावजूद करू तो हिम्मत तुम कुर हौसल तुम दिव मे ताकत तुम दिव मे हिम्मत PDP थो तुम जिंदा अम खान चो तुम सारी सलाम कर अगर नी हिम्मत करो महबूबा मुफ्ती या PDP खुदा की नजात खत्म मगर तुंद हिम्मत तुंद हौसल कि वनकान मान जानवर हूं सलाम सर्सी तरफ दफ्तर मन बिहत रीजनल पार्टी
پارٹیز خاص کر پی ڈی پی یہ ہسا چھ یتہ اپائنٹمنٹ ساتھ دیوان ڈیڑھ مہینے سے جموں سنواگ اشانت ہے. ورش 2008 کے بعد ایک بار پھر لگاتار آتنکی وارداتوں سے لوگ ڈرے اور چنتت ہیں. پچھلے 46 دنوں سے 7 آتنکی وارداتوں میں 11 سینیہ جوان بلیدان ہو چکے ہیں اور 10 عام ناگرکوں کی موت ہو گئی ہے. رکشا وشیشگیوں کے انوسار اب تک اس نرنائک رنیتی کا سمے آ چکا ہے. ہر بار آتنکی حملہ کر کر غائب ہو جاتے ہیں. ان آتنکیوں کی جنگلوں میں ابھی بھی موجودگی لوگوں کو پریشان کر رہی ہے. پہلا حملہ 9 جون کو ہوا تھا جو کہ ریاسی میں شیوکھوڑی میں یاتریوں کی بس پر حملہ تھا. اس میں 10 یاتری مارے گئے تھے اور 40 گائل ہو گئے تھے. آتنکیوں کی تلاش میں سینا اور پولیس پچھلے 46 دن 25 سرچ آپریشن چلا چکی ہے لیکن ایک بھی آتنکی ابھی تک نہیں ملا. دوسرا حملہ 11 اور 12 جون کو ڈوڈا اور بدرواہ میں کیا گیا جس میں پولیس اور سینا کے استھائی کیمپ پر حملہ ہوا تھا اور اس میں 7 جوان گائل ہوئے تھے. آتنکیوں کی تلاش ابھی تک جاری ہے. پاکستان کی بارڈر ایکشن ٹیم یعنی بیٹ کا گنونا چہرہ ایک بار پھر سامنے آیا ہے. پاکستان کے یہ کمانڈو سینا اور پرشکشت آتنکیوں کی ٹکڑی ہیں جو بھارتی سینا میں گھسپیٹھ کر اپنی کرتوتوں کو انجام دیتی ہے. پاکستانی سینا ان آتنکیوں کو کور دیتی ہے. بیٹ کو بے حد کرور بنانے کے لیے پاکستان کی اسپیشل فورس انہیں خاص ٹریننگ دیتی ہے. لداخ میں کیندر شاست پردیش پرشاسن نے پردھان منتری ماتر وندنا یوجنا کی دیکھ ریکھ کے لیے راجیہ و کیندر شاست پردیش ضلع اور بلاک استریے پردھان منتری ماتر وندن یوجنا سمتیوں کی استھاپنا کو منظوری دے دی ہے. یہ سمتیاں یوجنا کی پرگتی کی سمیکشا اور نگرانی کریں گی, سمبندھت وبھاگوں کے بیچ سمنوے اور ابھیسرن بڑھائیں گی. جن ادھیکار یاترا تریدوون گاؤں پہنچی. ٹیم سدسیہ امریش جسروٹیا نے ساتھیوں سہت لوگوں سے چرچا کی اور ان کی سمسیاں کو جانا. اس میں حصے داری ہے جو اس کی بات کرنے کو مہم شروع کی گئی ہے اور آج جس طریقے سے ہم جب یہاں آئے تھے تو ہمیں کچھ جو چیزیں دیکھنے کو ملی وہ بڑی آشچرے جنک تھی. ہم نے دیکھا کہ کم سے کم 50-60 گھر ایسے ہیں جن کو جانے کے لیے راستہ تک نہیں ہے. ہم 21ویں صدی میں بات کر رہے ہیں, ہم ڈیولپڈ انڈیا کی بات کر رہے ہیں, لیکن لوگ 4-4 کلومیٹر, بچے اسکول جانے والے, کالج جانے والے, ہمارا دیش کا بھوشیہ پیدل چل کے 4-4 کلومیٹر پیدل چل کے آج بھی گاڑیوں کے لیے انتظار کرتا ہے اور پھر جا کے پڑھائی کرنے کٹھوئیاں باقی ان استھانوں پر جاتا ہے. تو اور جو ایک اور خاص وجہ دیکھی ہم نے کہ ان علاقوں کو بالکل کٹ آف کر لیا گیا اور آج تک کسی نے سدھ نہیں لی ہے. اور دوسری جو سمسیا ایک یہ بھی سامنے آئی ہے کہ جو گاڑی ہے, جو میٹاڈور ہے, جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے, وہ ان کے گاؤں تک آج تک نہیں پہنچی ہے. کوئی بیمار ہو جائے, کسی کو اسپتال جانا ہو, بچوں کو اسکول جانا ہو, بچوں کو کالج جانا ہو اور باقی کام کرنے کے لیے لوگوں کو کہیں باہر جانا ہو, ان کو 2 گھنٹے. سوموار پھر آپ سے بھیٹ ہوگی, تب تک اجازت دیجیے. نمسکار.